कहाँ जा रहा है मेरा मोटा? फ्रांस जा रहा है। और कहाँ कहाँ जाएगा मेरा बेटा है? और कहाँ कहाँ जाएगा बताओ मोटे। मिक्की माउस के पास। चलो ठीक है मेरी जान, चलो आ जाओ। ओके सर। चाहे अगर तुसा पीवनी है कोई भी मतलब गर्म चीज़ ये हूँ असा गर्म जरा पानी इंदे विच पेंदे पे हाँ और इंदा तो आपको फंक्शन लिखेंदे हैं जरा। ये देखो एक कप थी गया फुल और ये देखो दोस्तों क्या जबरदस्त चीज़ दे रही है भेजी है जनाब। क्यों भाई मुदसर लाटकी हैं? ये देखो दोस्तों बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों भिरावां अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करें सारे खैर खैरियत ना लसो। दोस्तों अज का व्लॉग शुरू करें पे हैं और मैं जल्दी च काफ़ी हाँ। भाई हूँ अभी फ्लाइट है यूरोप की फ्रांस की और टाइम ठीक है 7 बजे का। 9:25 की फ्लाइट है। इतों सा को अद्धा घंटा एयरपोर्ट का भी लग। वैसे मैं जरा उठा लेट हाँ और भाई होनी भी खैर तैयारी है लेट ठीक है। समान असर आ गई थे गड्डी च। बस भाई भाभी और आयशा बांधे पे गड्डी च और असा निकलते पे एयरपोर्ट वास्ते। और भाई हुणा दी गल्फ एयरलाइन है इत्थों बहरेन का सफ़र है। पहले 3-3.5 घंटे की फ्लाइट बहरेन दी है। उत्थों वल 7 घंटे का स्टे है एयरपोर्ट ते और वल अगों तकरीबन फ्लाइट है 7 घंटे की ही फ्रांस की। सीधा फ्रांस पहुँचन और 2-3 दिन पैरिस रासन वाल उतों स्विट्जरलैंड वेसन वाल उतों बेल्जियम वेसन कोई 14-15 दिन का इंशाल्लाह भाई का टूर है। और 27 तारीख को इंशाल्लाह लाहौर वापसी थी से इन्हों की और अल्लाह ताला इन्हें खैरियत नाल घिन वंजे। तो असा हूँ बस एयरपोर्ट वास्ते निकलते पे हाँ। एयरपोर्ट असं दोस्तों पहुंच गए हैं और बस सामान जरा है ना ट्रॉली च रख के नूं सामान रख के ट्रॉली से और टाइम बिल्कुल पूरा है क्यों जो बोर्डिंग शुरू थी हुई है फ्लाइट च। बस इवें 1.5 घंटे बाकी है। 9:25 से फ्लाइट है। आयशा इधर आओ मेरी बेटी जल्दी आओ जल्दी आओ आजो 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 मेरी बेटी आजो 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 इधर देखो मेरी प्यारी बेटी। फिर रोज़ मुझे फ़ोन करना है मेरे बेटे ने ठीक है। रोज़ वीडियो कॉल करनी है मेरे बेटे ने। कितनी दफ़ा करनी है रोज़ाना बताओ? बहुत ज़्यादा दफ़ा। शाबाश मेरी प्यारी बेटी खैरियत से जाओ। ओके मेरी जान कहाँ जा रहा है मेरा मोटा? फ्रांस जा रहा है। और कहाँ कहाँ जाएगा मेरा बेटा है? और कहाँ कहाँ जाएगा बताओ मोटे। मिक्की माउस के पास। चलो ठीक है मेरी जान चलो आ जाओ। ओके सर। ओके सर। भाई हुनी जरा अंदर चले गए। खैर दा सफ़र थी वे और मैं हूँ निकलता पिया। मैं घरों ही इन हिसाब ना लाया हम कि वापस घर कहना वैसा इतों दफ्तर निकलिया वैसा और हूँ जरा है ना नाश्ता भी करेंगे कितने वहीं पहले बंदू खान वेंदे हैं लिबर्टी उतना वहीं नाश्ता करेंगे। नाश्ता करते वल जरा है ना निकलते हैं जनाब दफ्तर की तरफ क्यों जो मैं आख्या हूँ एक दफ़ा रेडी थी तो अपना इन्हों को छोड़ते वल घर वैसा और उनके तो बाद जरा वल घरों रेडी थी तो दफ्तर आसा तो काफ़ी टाइम थी वैसे ही गल जरा टाइम ना ही जरा है ना दफ्तर पहुंचते हैं। पहले वन से जरा नाश्ता कर गई वजन क्यों जो 8:15 बल के थी पे दोस्तों ये 2-3 दिन पहले तो आपको पता मैं रॉयल स्विस होटल आया हम ये सामने एयरपोर्ट दे बिल्कुल और मैं उतें ही कॉल करते पता किते कि इतना नाश्ता है। नाश्ता तो होंगे जाहिर है इन्हों लेकिन जेने लोगों ने होटल स्टे किया होंगे उन्हें वास्ते लेकिन उन्होंने आखिर कोई भी नाश्ते वास्ते आ सकते रेस्टोरेंट च जरूरी नहीं कि कहीं जिन्होंने स्टे किया होगा सिर्फ वह कर सकते। मैं उन्हें कॉल करते इनफॉरमेशन की दी है तो सोचा मैं इतना ही नाश्ता करके दे गड्डी मैं पार्क कर की दी है और अंदर वेंदे हैं होटल। ये होटल दी मेन लॉबी है
और असा मंजने सीधा रेस्टोरेंट। मैं दोस्तों अंदर आ गया और हम जरा ना नाश्ते दे दें कि क्या क्या इन्हों को चीज़ा हैं नाश्ता करेंगे जनाब। अच्छा जी पहले देखे ना चना मसाला है, बीफ निहारी है और आलू भुजिया है, नान है, पराठा है, ये पता नहीं क्या चीज़ है और ये चाइनीज़ कुछ चीज़ा हैं। बस असा तक हिंदे हैं जनाब उहा चने घिन गिनते हैं, निहारी घिन गिनते हैं, नाल कोई नान शान घिन गिनते हैं, इतों जूस वगैरह घिन गिनो, बल्कि लस्सी है तो लस्सी दे होंगे जूस खिनन की तो जरूरत कह नहीं। मिठी लस्सी भी है और नमकीन लस्सी भी है और जूस भी है, ये नमकीन लस्सी। नाश्ता दोस्तों इनका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त और मैं चने और निहारी घिनते आया हूँ लेकिन जरा टेस्ट है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। नॉर्मली अगर कहीं बड़े होटल दे जेरे चने और निहारी वगैरह इन्हों का टेस्ट को इतना खास कह नहीं होता, फाइव स्टार होटल की गल करें पे तो जो बाकी उन्होंने जो डिशेज होंगे वो खास होने तो इतना बहुत ज़बरदस्त पर देसी नाश्ता है। जेरा भी दोस्त अगर एयरपोर्ट कहीं कुछ जल्दी छोड़न आ बजे या जल्दी गिनन आ बजे उनके को टाइम हो रॉयल स्विस नाश्ता लाजमी करो। फ्रूट वैसे ही सेहत वास्ते बेहतरीन है, नाल सेब हैं कोई एक अद्धा सेब भी नाल गहत गिनते हैं, काफ़ी सारे आइटम हैं। खैर हर फाइव स्टार होटल जितने समझो बफे जित भी लगा हो नाश्ते बहुत ज़्यादा चीज़ा मौजूद होंगे ने अगर हूँ क्या है खजूर पिया है और खीरा टमाटर सैलड वगैरह का निज़ाम है बड़ा अच्छा और इतना जरा ये सारी आइटम्स मैं चेक ही नहीं किए हैं। मिठे च काफ़ी सारी ऑप्शनस हैं, केक हैं और मुख्तलिफ किस्म पेस्ट्रीज हैं, मिठे च काफ़ी चीज़ा हैं। इतना देखते हैं ये हैं चीज़ा और वाले ब्रेड वगैरह पई हुई है इतना। ये होटल की मेन लॉबी है और काफ़ी रश नज़र पे लगता है कोई कॉरपोरेट सेक्टर का कोई इवेंट वगैरह है और वो लोग सारे टाइम नाल पहुंच चुके हैं। नाश्ता कर गई थे दोस्तों और मेरे को तो हूँ शक है लस्सी दे मैं दो त्रै गिलास पीते हैं और हूँ नींद ना आवन आवन पाए बजे क्यों जो वैसे ही जल्दी उठ गया और हूँ बस इतों होटल तो बाहर निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं ऑफिस। दफ्तर आ गए हैं जनाब और 10 बजे आ गया से आज था बल्कि पहले तो आपको पता है टाइम नाल और हूँ टाइम थी कि 12:05 और यह एक पार्सल जनाब आ गए, यह एक पार्सल जनाब आ गए भाई दे नाम दा और ये भेजे मेरे कज़न ने गुलजार ने गाँव तू और इनके अंदर क्या है पार्सल दे ये नहीं पता, ये हूँ खुले सूँ तो कुरबान सही मोबाइल तो पकड़े सो मैं मेहरबानी सही माशाल्लाह खैर नाल पूरी एक टेप पींदे उते मुका छोड़िए गुलजार सिंह तुसा है दे देता पे हो तुसा ही वाला गुलजार सिंह सारा रेगुलर व्यूअर है। अच्छा मैं समझ गया गुलजार इंडिया वाला शायर है मैं पहले ये समझ गया तेरे जने शायरी दे रहा है ना हर टाइम छाई खड़ी है ये देखो सही कुर्बान ए मैं ते को देसा ठीक है मैं हां कबूल है ए फुल समेत ठीक है मेहरबान डब्बे से क्या है ए हम पता लग से कोई हो जे शायर ना होवे तेरी दिखावण वाली ना होवे हैं ओ वाह जी वाह जी वाह जी वाह मग लगदा पे मेरे को मग तो है और मग बड़ा जबरदस्त ही लगता पे क्या बात है जनाब ये मग च रहा है ना चाय पीवन वास्ते मेरे ख्याल भाई वास्ते स्पेशल भिजवाए गुलजार साहब ज्यादती है सही असा ही दफ्तर होंगे एक घर होंगे असा भी
ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਗ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਿਜਵਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੀਤਾ ਕਰੂੰ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਆਏ ਨਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਗਰਮ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਪ ਥੀ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੁਦੱਸਰ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੀ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗਰਮ ਰਸੇ ਨਾ ਕੱਪ ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਔਰ ਭਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਜਣ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਥੀ ਵੈਸੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਸਾਂ ਚਾਏ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਏ ਪੀਸੇ ਨਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤਸਾਵੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸਨ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਔਰ ਸਾਲਣ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਪੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਿਆ ਜਨਾਬ ਔਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾ ਇੱਕ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ। ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਆਏ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੱਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਸੇਬ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਸੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਰਈਸ ਉਸਮਾਨ ਅਸਲਮ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸੱਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸੱਜਣ ਆਵੇ ਨੱਖੀ ਠਰਨ ਸਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਕਮਨ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਕੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਹਿਣਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਲ ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ ਸੂ ਹੈ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੇ ਰਹਾ ਸੂ। ਦੋਸਤੋ ਰਈਸ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਪੈਣ ਸਟ੍ਰੀਕਸ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਦਿਖਲਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਕੋ। ਆਈਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਦੁਬਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਨਾ ਕਾਮਰਾਨ ਅਸਲਮ ਸਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਲ ਔਰ ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਦੋਸਤੋ ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਜਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੰਜਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਸੂ। ਇੱਕ ਦੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਣਦਾ ਪਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਸੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸੋ, ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।